आज इतनी प्यारी लग रही है। हर लड़की को ये ऐसे ही कहते हैं कि आज कितनी प्यारी लग रही। आपको नहीं पता इतना प्यार आना कर उन्होंने जुर्म है। आपको अपने दिल में उम्र कैद की सजा देते हैं। मैंने आपको कहना है कह दो प्यार से कहो प्यार से कह दो पार्लर में जाती है काली माँ जाती है करती ना क्या हंस के दिखाना। किसने दी इस दिल पे दस्तक कौन है आप तो अंदर है बाहर कौन है उसे तो पकड़े बाहर कौन है। सफदर का जब भी इंटरव्यू लेते हैं बहुत ज़्यादा वायरल जाता है और पिछले साल भी ये हमें रेस को मिला था आज फिर से मिल गए और आज तो मेरे से मैचिंग भी हो गई है इसकी। क्या हाल है जी? ठीक आप सुनाए। इतने वायरल हो गए हर एंकर आ जाते तुम्हारा इंटरव्यू लेने। बस देख लें। और तुम हर एक को कहते हो आई लव यू क्यों भाई इतने दिल फेंक इंसान हो? नहीं नहीं वो वैसे प्यार से कहता हूँ। प्यार से कहता हूँ है कब किसी में गुस्सा आ रहा होगा तो उसको क्या कहोगे? मैं उसे आई हेट यू। बैग के अंदर क्या क्या है? मेरे सामान है। सामान में क्या क्या सामान है? बिस्किट है। बिस्किट है एक बिस्किट दो ना फिर आपको खिलाना है। पक्की बात है? पक्की बात है बिस्किट खाओगे? बिस्किट खाऊंगी। खा लो तो मैं पहन दूंगी। पक्की बात है? ठीक है भाई सफदर जो है ना बिस्किट दे रहे हैं कैफे बिस्किट सबसे गंदा मुझे लगता है। क्या मेरे बिस्किट की गंदगी कर रहे हो आप? नहीं नहीं खाने में लेकिन है थैंक यू मैंने चेक करना था तुम देते हो या नहीं। अच्छा सफदर आज क्या सुनाओगे हमें कोई गाना कोई शायरी कोई भी ऐसी चीज? मैं ये सुनाना चाहता हूँ पहली बात तो आप आज इतनी प्यारी लग रही है। हर लड़की को ये ऐसे ही कहते हैं कि आज कितनी प्यारी लग रही है। आपको नहीं पता इतना प्यार आना कर उन्होंने जुर्म है इसलिए आपको अपने दिल में उम्र कैद की सजा देते हैं। मार खानी है ये बहुत खराब हो चुका है बच्चा और मेरा कैमरामैन समझ नहीं आ रहा इधर से उधर उधर से इधर क्यों कल्टियाँ खा रहा है पता नहीं है ना। कुछ और कहना है? मैंने आपको कहना है कह दो प्यार से कहोगे थोड़ा प्यार से कह दो प्यार से एक बार आज मेकअप ज्यादा लगाया है। आज तबीयत सही नहीं थी ना इसलिए ज्यादा लगाएंगे तो लोग पता ना चले पता ना लगे ये तो है। अब वो तो कह देते हैं गई थी पार्लर में का सबसे खड़ा जादू होता है पार्लर में जाती है काली माँ जाती है करती ना क्या ऐसी भी बात नहीं है क्या हो गए पक्की बात है। मैं तो तबीयत की वजह से करके आई हूँ वरना तो मैं लाइट ही करती हूँ। हंस तो हंस के दिखाना। नहीं ये नहीं हो सकता आप क्यों चुटकुला सुनाओ कि हंसी आए। हाँ अच्छी एक बात सुनाओ। हाँ आजकल की लड़कियाँ हुस्न में नाश करती हैं। पहला कलमा आता नहीं और इंग्लिश में बात करती है। कुछ और सुनाओ कुछ नया सुनाओ। नया सुना देते हैं किसने दी इस दिल पे दस्तक कौन है आप तो अंदर है बाहर कौन है उसे तो पकड़े बाहर कौन है। अच्छा कुछ इधर क्या लेने आए हो? इधर मैं हर दफा काम ही करता हूँ फिलहाल तो काम नहीं करते सिर्फ तुम एंकर ढूंढते हो कैमरा ढूंढते हो उधर तुम पहुँच जाते हो इंटरव्यू देने। वो इंटरव्यू तो होते रहते हैं ना प्यारी लड़कियों को भी तो देखे ना वो कहते हैं इधर कितने गुलाब के बूटे हैं। मैंने कहा एक भी को एक को भी नहीं पानी देना नहीं तो वो खिल जाएंगे। वो गुलाब का फूल किसको कहते हैं? वो जो इधर गुलदस्ते लगे हुए सारी आज लड़की आई हुई है। सही है तुम्हें पता था आज मैं व्हाइट शर्ट पहन के आऊंगी तो तुम व्हाइट शर्ट पहन वो ना मैं आज ना अपनी दादो घर गया था तो मैंने कहा उधर पहन के जाता हूँ थोड़ी इज्जत हो। वाइट कपड़ों में इज्जत होती है। जी जी सही हो गया। कुछ और कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ जो प्यार से बात करे उन्हें सोने से तोल दो जेड़ा बदमाशी करे उन्हें नसरा रोल दो। नसरा रोल दो ठीक है थैंक यू सो मच सफदर। आज क्या नाम है आज बहुत सच्ची प्यारी है। थैंक यू थैंक यू। हौसला तो मेरे पता नहीं कितने सालों से हौसले में रहा हूँ अब ये हौसले का चक्कर खत्म हो गया इधर में बिल्कुल जज्बात में आ गया इतना मखलूक को देख कर के या अल्लाह इधर तो मेरा निकाह वाला अरमान पूरा कर दे जल्द से जल्द मेरा निकाह हो जाए बस प्रोग्राम कभी कभी उड़ जाता है। लेकिन ये कब शुरू होगा जब हम कब्र में जाएगा उरों के साथ शादी करेगा अल्लाह आंटी दे दो लेकिन दे दो बस मोटी थाजी हो। थाजी से क्या मतलब है? बस हमको मोटी पसंद है लाहौरी आंटी के साथ शादी करेगा अभी कसम से चार करने अगर अभी की चार कोई करेगा मेरे साथ चार शादियां करूंगा मैदान में इंशाल्लाह मैंने चार शादियां करने अगर अभी भी मेरे कोई ताबेदार मैडम भी करेगा अगर इसका शादी नहीं हो मैं ताबेदार अभी का मैं करूंगा। बहुत तेरी खैर हो
मैडम के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पसंद है। मैं बस बहुत गर्म हो गया, बस बर्दाश्त से काम बाहर निकल गया, बस मसल अजीत का है और ज्यादा गर्म इसलिए था। लोगों के पास दो दो तीन तीन देखता हूँ, हमारे किस्मत में एक भी नहीं है। लड़की का नशा है लेकिन वो पूरा नहीं होता। अपना नंबर लिखवा दे, अगर किसी लड़की को समझ में आते हैं आप तो रابطہ कर ले। 03478105353। अब अगर लड़कों की कॉल आई तो फिर हमें ना कह, तो फिर हम चला लेंगे, हम पठान हैं। मैडम को मैंने मोबाइल में बहुत ज्यादा देखा है, तो मैं ये ख्वाहिश था कि मैं अपना मीडिया पे दे दूं कि मेरे साथ कोई निकाह करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये लगता मुझे ऐसे कि दिन मेरे निकाह वाले करीब हो गया, इंशाल्लाह पक्का इरादा है मेरा निकाह का। अगर अभी भी कोई हो निकाह कर मेरे साथ निकाह अगर करेगा तो मैं तैयार हूँ। तो इतना ज़्यादा मुझे मोबाइल में देखा, उसके लिए शुक्रिया कि आपने हमें फॉलो किया या हमें फॉलो करते हैं। मेरा ये अरमान पूरा हो गया कि आप मुझे इधर मिल गए। अच्छा। कि जल्द से जल्द मैं इंटरव्यू दे दूं और मेरा निकाह हो जाए बस। तो आपने ये किसी और, आपने उधर पहले एक बंदे ने बयान दिए कि लव स्टोरी वाला गेम ठीक नहीं है। अच्छा। तो लव स्टोरी से अच्छा है कि हम निकाह कर लें, ईमानदारी से वक्त गुजरेगा। लव स्टोरी में तो बस बंदा फ्रॉड धोखा वाला इधर उधर चला जाता है। जब तक कुंवारी है ना तुम्हारी है ना हमारी है, सरकारी है। हाँ ये बात बिल्कुल अच्छा है। ये बिल्कुल बात सही है। मुझे ये बताइए कि आपने कहा रिलेशनशिप फ्रॉड होता है, उसमें फ्रॉड करता कौन है, लड़कियां या लड़के? किसी जगह पर लड़की भी करते हैं, किसी जगह पर लड़के भी करते हैं। सारे मिक्स मिक्स काम है, मिक्स चलता है। प्रोग्राम कैसा चल रहा है? प्रोग्राम कभी कभी बढ़ जाता है। हमारे पठान ने बोला नहीं है, वो सही कहा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा आपका नाम क्या है? लेकिन हमारा प्रोग्राम को नहीं बढ़ना चाहिए। निकाह एक जबरदस्त चीज है, अच्छा काम है। चले आपके लिए लड़की। ये नहीं है निकाह अगर अभी लड़की हो। जी जी आप मुझे बताइए आपका नाम। इतना हौसला तो मेरे पदर कितने सालों से हौसले में रहा हूँ, अब ये हौसले का चक्कर खत्म हो गया। इधर में बिल्कुल जज्बात में आ गया इतना मखलूक को देख करके। या अल्लाह इधर तो मेरा निकाह वाला अरमान पूरा कर दे जल्द से जल्द। अच्छा, क्योंकि इतना इतना तो पूरा हो गया यार, निकाह नहीं हो रहा यार। अच्छा एक सेकंड, मैं उनसे बात करी, उनको कोई बुलाए ना अभी साइड से। मुझे ये बताएं आप लड़की ढूंढ रहे हैं ना निकाह के लिए, आपने कहा अंटी भी हो तो मुझे कबूल है। अंटी मोटी ताजी हो, बस मोटी ताजी हो, बाकी जैसा भी हो अंटी मुझे कबूल है। अंटी भी हो मोटी लड़की क्यों, पतली लड़की क्यों? 60 साल तक चलेगा, 60 साल के बाकी नहीं, 60 साल तक हो तो मैं ताबेदार। आप इतने शदीद सिंगल है क्या? बिल्कुल, क्यों कहते यार ये हमारा चौकीदार का 20-25 हज़ार तनख्वाह कम को लड़की कौन देगा? इस वजह से हमारी शादी नहीं हो रही। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि महंगाई को खत्म हो जाएगा, अभी तरक्की शुरू होगा, लेकिन ये कब शुरू होगा? जब हम कब्र में जाएगा हूरों के साथ शादी करेगा? मेरा ख्याल में तो हूरों के साथ शादी होगा, इधर पता नहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा हमारे पास नहीं है। और दुआ करो कि जल्द से जल्द मिल जाए। अल्लाह आंटी दे दो, लेकिन दे दो बस मोटी ताजी हो। मोटी ताजी से क्या मतलब है? बस हमको मोटी पसंद है, बुरा नहीं मानना है, सेहतमंद हो बस। मैं खुद सिंगल हूँ। अच्छा। आपका नाम तो बताएं। मेरा नाम है फरीद खान। फरीद खान कहाँ से आया? सखेल जिला मियां वाली, कमीज तेरी काली, सोलह पुला वाली। हाँ सोलह पुला वाली, ठीक है, मियां वाली से आया। इमरान खान के इलाके का, इमरान खान के इलाके। क्या जल से मैं भी बड़ा गया हूँ कि शायद इधर तो कोई मिले, लेकिन उधर भी नहीं मिला।